असद कैसर कहते हैं, पार्लियामेंट में हर जमात की जानिब से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाती है, लेकिन कानून साजी के मामले पर दीगर सियासी जमातों से इत्तफाक राय हुआ है। स्पीकर कौमी असेंबली ने तकरीब से खिताब करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी पर तवज्जो दी जाएगी। हम असेंबली को, इस प्लेटफॉर्म को अपनी लोग के लिए करेंगे और बेहतर में ये हमारे लिए एक खुशायन बात है कि चूंकि जो असेंबली में हमारा बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और ज्यादातर एक दूसरे की पॉलिटिकल स्कोरिंग होती है, हमने अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट की है और हमने कम अज कम तय किया है। हमारी वो मैडम भी बैठी है माशाल्लाह, वो तो वो असेंबली में बहुत इफेक्टिवली रोल प्ले करती है, डॉक्टर नफीसा शाह साहब और हमारे यहाँ से भी है। तो अभी हमारा फोकस होगा इंशाल्लाह ताला, ये हमारे अपने भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हैं, तो अभी हमारा फोकस ये होगा कि हम कैसे क्वालिटी लेजिस्लेशन करें अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए। एजुकेशन ही इंसान की राइट को प्रोटेक्ट कर सकती है और ये हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों के लिए करें। मैं इंशाल्लाह ये एक तो ये मेरे सजेशन है कि इनके साथ आप लोग एमओयू साइन करें, इसके दौरान फिर हम अपने जो कंसर्न अगर सूबाई हुकूमतें एजुकेशन मिनिस्ट्रीज हैं उसकी कोऑर्डिनेशन और उस पर काम करेंगे ताकि हमें जो अहम मसला है कि बच्चों तक जहां बच्चों के लिए स्कूल नहीं है उसके लिए स्कूल का क्या कर सकते हैं और जो खासकर क्वालिटी एजुकेशन है इसमें हम क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं।